अगर आप शॉर्ट्स देखने के बाद इस वाली वीडियो पे आ रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ पता है कि आगे क्या हुआ था मेरे साथ। भाई मैं वहां से जाता हूं। अबे पीछे बंदे आ गए, छोड़ उसको छोड़। वहाँ पे ठिल जाता हूँ एंड रिकॉल होकर वापस पोचिंग ही आता हूँ मैं। बट यार तब तक भाई यहाँ पे पूरा साफ हो चुका होता है, मेरे टीममेट क्लियर हो चुके हैं, पोचिंग में कोई होता भी नहीं, जोन भी चला जाता है। ठीक है अब यार यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ, लेकिन एक सेकेंड भाई आप मुझे बताओ कि आपकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो भाई मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस ये है, जो कि भाई बहुत क्यूट लगती है। और अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट करके जरूर से बता देना। खैर छोड़ो, यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ तभी भाई पीछे से शॉर्ट्स आते हैं मेरे पे। तो यहाँ पे मैं होल्ड करके देखता हूँ कौन है ये ससुरा का कमबक। तो यार कोई दिखता तो है नहीं, बट एक बंदा स्पॉट जरूर होता है। लेकिन हाँ मैं सही बताऊँ ना, भले ही कितनी भी क्यूट और सही लड़की हो, पर यार M4 के आगे कोई नहीं टिक सकता भाई। M4 का सेक्सी चलती है, मतलब उसकी आवाज़ सुनते ही ना भाई, मतलब दिमाग में से सब कुछ गायब हो जाता है। पर फिलहाल के लिए ये वाले बंदे मेरे दिमाग में होते हैं एंड ये मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ जाते हैं। और भाई इनकी फाइट, अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप बस ये फाइट इंजॉय करो। और भाई काफ़ी मशक्क़त के बाद ये बंदे मारे जाते हैं भाई। इन्होंने कितने सारे नेट्स करे, मैं अंदर जाता हूँ ये अंदर नेट करते, बाहर जाता हूँ बाहर नेट करते, मतलब भाई इतनी गंदी तरीके से बचाओ ना। अब यहाँ पर देखो मेरा टीममेट क्या कहता है, गाड़ी पे गाड़ी बिना हिल के गाड़ी से भाग। और भाई ये डिसीजन इस दुनिया का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है, क्योंकि भाई वो एक्सपेक्टेड कर रहा था उसे क्या है।